तो दोस्तों आज है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और आज हम मौजूद हैं आगरा के ऐतिहासिक इमारत यानी कि लाल किले में। और आज हमने सुना था कि शिवाजी की गाथा का ट्रायल होगा, फर्स्ट ट्रायल प्रोजेक्टर के साथ और साउंड के साथ, लेकिन जब देखने आए तो शायद यहाँ पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी हमने सिक्योरिटी वाले से बात करी थी तो वो बोल रहे थे कि अभी ट्रायल चल रहा है लेकिन कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी एक महीना और लग जाएगा। तो चलो वो तो रही अलग बात, बाकी हम और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या यहाँ है, लेकिन आज मौसम बहुत ही सुहाना है। और ये सामने वही सभा है जहाँ पर राजा अकबर बैठ के अपनी सभा लेते थे और निर्णय लेते थे, फैसला सुनाया करते थे। तो लिटरली ये लगाए हुए हैं प्रोजेक्टर और यहीं से आपको सुनाई देगी शिवाजी की गाथा साउंड इफेक्ट के साथ। और सामने आप देख रहे हो एमपी थिएटर, यानी कि सामने कोई बड़ा प्रोजेक्टर और पर्दा लगेगा जिसमें आप पिक्चर भी क्वालिटी देख सकोगे। 200 चलेंगे, एक चलेगा 7 से 8 और एक चलेगा 8 से 9। तो ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है कि इससे साउंड इफेक्ट और पिक्चर क्वालिटी के लिए कैमरा भी दिखाई दे रहा है आपको। तो इसी से सुनाई जाएगी शिवाजी की गाथा और मुगल सम्राट के कुछ सच। और ये सामने आपको दिख रही है मस्जिद, जहाँ मस्जिद में जाना मना है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ लाल किले के अंदर जाना मना है। हमने पिछली वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें भी आपने देखा होगा 25% हिस्सा आपको दिखाया जा सकता है। वहाँ देखो पब्लिक बार बार जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ जाते हैं। और ये सभागार है इसी के ऊपर जाके, और हमें रोड का जो नज़ारा है वो दिखाई देगा जमुना किनारे का, और ताजमहल भी शायद वहीं से दिखाई देगा एग्जैक्टली। चलो चलते हैं। हाँ इधर आ, इस तरफ जाना, आ जा उस तरफ जाना सीढ़ी पे। और ये बाहर की तरफ निकल कर आए हैं, यहाँ से बाहर का नज़ारा सबको आसानी से दिखाई देगा। और यहाँ से अब साफ आपको ताजमहल भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग हैं जो ताजमहल का दीदार कर रहे हैं यहाँ से लाल किले से। आगे चलते हैं। लाल किले के पास वो जगह है जहाँ से आपको ताजमहल आसानी से दिख जाता है। ये सामने आप ताजमहल देख सकते हो और उसके बराबर में जहाँ से धुआं आ रहा है ना, ये धुआं आ रहा है वहाँ, वो शमशान घाट है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। और ये पूरी जमुना जी है, जमुना जी इस समय उफान पर चल रही है अपने। और ये वो जगह है जहाँ पर सैनिक सिक्योरिटी के लिए खड़े होते थे, और ऐसे कई टापू हैं, 8-10 टापू हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए सैनिक खड़े होते थे एक टाइम में, लेकिन अभी तो ये पब्लिकली देखने के लिए बना दिया गया है काफ़ी सालों से। तो शाम का व्यू है, देखने लायक है। भाई ये जगह वो है यहाँ पर आप आराम से बैठकर ताजमहल का दीदार कर सकते हो। और देखो सामने मैंने आपको पहले भी ताजमहल दिखाया था, दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये ताजमहल है। और यहाँ पर बैठने की जगह काफ़ी है, साजा वगैरह यहीं बैठा करते थे। अभी देखो ऊपर भी जाने का रास्ता है, देखो सीढ़ी सामने चमक रही है, पर मोस्टली बंद कर दिया गया इतना सारा। किला बंद होने का टाइम भी हो गया, ये सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं कि भैया बंद हो गया, यहाँ से निकलने का समय आ गया। ये रहा रास्ता इधर से, तो ये 6:30 का टाइम हो चुका है। और इसको बोलते हैं बाग, बागवानी थी ये किसी टाइम में। और ये सारे देखो घर बने हुए मोस्टली यहाँ पर, उस समय इनके कारीगर वगैरह रहा करते थे। अरे कितने बजे का टाइम बंद होने का? तो देखो टाइम हो चुका है, तो प्रशासन भी अपना घर कंप्लीटली बंद करके जा चुके हैं, तो हमें भी अपने घर चलना होगा क्योंकि तो शाम ढल गई है, इवनिंग का टाइम हो गया है। ये वो जगह है यहाँ से जैसे युद्ध की स्थिति में अगर लड़ाई हो जाती थी तो मेन रास्ता यही था, यहाँ से अब आग का गोला या फिर गर्म पानी बहा सकते हैं ताकि दुश्मन ऊपर चढ़ के ना आ सके। और भैया बाहर निकलने का समय हो गया है, और देखो लाइटिंग वगैरह भी चालू कर दी है उन्होंने भी, साउंड और लाइट के साथ
जो चालू करना था उसमें से लाइटिंग वगैरह का तो सिस्टम मुझे चालू होता दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन साउंड वगैरह का काफ़ी सिस्टम दूर रह गया है। लाल किले की पूरी वीडियो, लेकिन जिसके लिए हम आए थे प्रोजेक्टर और साउंड, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता अगले महीने तक स्टार्ट हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।